हेलो दोस्तों, हम खड़े हैं महाराजा रणजीत सिंह जी के पोर्ट्रेट के आगे। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि ये जो इतना फेमस पोर्ट्रेट है, जो कि कोई लोगों ने बुक्स के ऊपर छापा, कुछ लोगों ने इसे वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ करा है, अपने पेज के ऊपर डीपी बनाया है, अपनी वीडियोस में डाला है, हर तरह से लोगों ने इसे अपनाने की कोशिश की है। ये उन्हें लगा कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे जो पंजाब के ग्रेट आर्टिस्ट हैं सरदार सोलह सिंह जी, उनके आर्ट वर्क को अपनाया गया था। आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी टू नो एंड आई वाज सरप्राइज कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि किसने बनाया है। सो दोस्तों, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट, आपसे शेयर करते हुए कि ये पोर्ट्रेट मैंने बनाया है। और ये 2013 में मैंने बनाया था वेबसाइट के लिए। जैसे ही मैंने अपने ब्लॉग पे अपलोड करा, तो पेज पे ऊपर उनके वॉलपेपर के ऊपर भी ये डालना था। इस तरह के मैंने और भी कई पोर्ट्रेट्स बनाए हैं गुरुज के। तब मैंने ना इस पे अपना नाम ऐसे ही बस साइन करके डाल दिया। यू कैन सी यहाँ पे साइट पे, जो भी यूके की गैलरी में अगर आप जाओगे, विजिट करोगे, तो वहाँ पे जॉर्ज लिखा है साइट पे। तो तब मैं इतना थोड़ा यू नो आर्टिस्ट माइंड, इट्स जस्ट लाइक आपके मूड है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो मैंने अपने ना पूरे नाम भी नहीं लिखे थे, ड्यू टू सम रीजन सम जस्ट जॉर्ज लिख दिया था, और डेट मैंने कभी मैंशन नहीं की। तो अभी मैंने अपनी जब मैंने देखा ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया है इस पे, फिर मैंने वो मेल चेक करी। जब मैंने उन्हें मेल सेंड करी थी, तो वो 2013 की बात है, और मेरे पास एक इंटरस की पेन टैबलेट थी, के ऊपर मैं ये कर रहा था। एंड इसको बनाने के लिए मैंने बहुत सारी फ़ोटो रेफरेंसेस लिए। जब भी मैं अमृतसर में था, तो मैंने जहाँ से भी मैं निकलता था ओल्ड अमृतसर की, आप गलियों से निकलोगे तो आपको चेहरे नज़र आएंगे बहुत सारे। और अगर आप गोल्डन टेम्पल विजिट करोगे, तो वहाँ पे मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को देखना, उनके फीचर्स को देखना कि वो किस तरह मैच करते हैं। और एक आर्टिस्ट हैं एमली एडन, जो कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने खुद अपॉइंट करे थे उनका पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो मिनिएचर पेंटिंग में आप एक पोर्ट्रेट देखेंगे, वो जो ब्लैक एंड वाइट में है, जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह ने ऐसे तीर पकड़ा हुआ है और एक शायद वो फर वाला कोट डाला है, ऊपर से कुछ डाला है उन्होंने, वो ब्लैक एंड वाइट है, समझ नहीं आता। तो उससे मैंने इंस्पिरेशन ली, और वो चेहरे को मैंने जब मैं उसके बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये चेहरे के रेफरेंस से मैं इसे दिखा सकता हूँ ऐसे कि ये आज के टाइम पे अगर अगर वाकई में कोई ऐसे ग्रेट लीडर हमारे ज़िंदा होते, तो वो कैसे लगते, जैसे एक माइंड में आ गया मेरे बात। तो मैं रेफरेंसेस कलेक्ट करनी शुरू करी, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश की मैंने। जब भी मैंने जैसे मैट पेंटिंग भी यूज़ करा इसमें डिजिटल पेंटिंग भी यूज़ करा, के अंदर ग्रेन्स मैंने बनाए, तो उसको मतलब पूरी फुल ऑन डिटेल दे दिया मैंने। वो स्किन के टेक्स्चर के जो कलर्स ब्रशेस थे जो फोटोशॉप में यूज़ होते हैं, वो सब के सब डाल दिए। और हाँ, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको सही नहीं लगेंगे, कुछ आपको वैसे क्या इफ़ेक्ट नहीं देंगे जैसे कि आप स्किन के टेक्स्चर का चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट हैं थैंक्स टू फोटोशॉप। तो वो मैं ये सब चीज़ें कर पाया, और तो मैंने ना बड़ा डिसाइडेडली ऐसे ही अपने ब्लॉग के ऊपर डाल दिया था। अब वो ब्लॉग भी मतलब मैंने हटा दिया सारा कुछ वहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोग बस वो डाउनलोड करके अपने घरों में लगा रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट बहुत सारे लोग इसे जस्ट अपनी चलो जैसे भी वो यूज़ कर रहे हैं, इट्स नॉट ऑफ माई कंसर्न। बट द थिंग इज़, ये अब ये जो फेमस पोर्ट्रेट है, मैं इसे और अपग्रेड करूँगा, इनमें ऑर्नामेंट्स वगैरह डालूँगा, और फिर इसको एग्जिबिट करूँगा, क्योंकि लोग जाने कि ये जो फेमस पोर्ट्रेट है, जिसे मैंने कई बार देखा, क्योंकि कल ही मैं एक एग्जिबिशन में था, और वहाँ पे काफ़ी लविश और हाई एंड आर्किटेक्ट्स एंड फेमस पर्सनैलिटीज़ आ रखे थे, जैसे हमारे महान फोटोग्राफर हैं इंडिया के रघु राय जी, वो भी थे वहाँ पे, और अमेजिंग पीपल वर देयर।
तो वहाँ पे उन्होंने देखा जब, और मैंने बताया कि ये मैंने बनाया है, एंड दे वर सरप्राइज्ड कि हमने इसे हजारों बार देखा है लेकिन हमें पता नहीं था ये किसने बनाया है। अच्छा लगा एक्चुअली आर्टिस्ट, मुझे जो लगता है अगर यू आर इनटू ट्रूली इनटू आर्ट एंड ऑल, वो हम ना बहुत ज़्यादा इसको शो ऑफ में बिलीव नहीं करते, बट आज का टाइम ऐसा है कि आपको यू हैव टू डू दैट, क्योंकि जिनके जो आर्टिस्ट नहीं भी होते तो वो आपका आर्ट को पकड़ के आपको बस खुद को रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो इस चीज़ से बचिए, अपने पोर्ट्रेट के नीचे या अपने आर्टवर्क के नीचे नाम और तारीख ज़रूर लिखिए जो भी बडिंग आर्टिस्ट हैं, और क्योंकि दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, कहाँ कोई चीज़ कहाँ पहुँच जाती है यू नेवर नो। अब ये यूके की गैलरी में है जो कि डेडिकेटेड है ओनली फॉर सिखिज्म, द सिख हिस्ट्री, उसमें भी इसे स्थान मिला है, और ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए एज बीइंग अ पंजाबी। एंड बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं है कि माय ग्रैंडफादर बेसिकली वो बिलोंग करते हैं ढींडसा फैमिली से। इफ़ यू नो, जैसे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे पहले सुखदेव सिंह ढींडसा जी, आई गेस आई एम करेक्ट विद द नेम। तो जब वो यहाँ पे आए तो वो चेंज हो गया सारा कुछ, बट हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे जब भी मैं स्कूल में होता था तो वापस आते हुए बहुत ज़्यादा स्कूल में से लोग जब निकलते हैं तो वो लंगर ज़रूर खाते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ से लंगर खाया है, और मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो मेरी हेल्प हुई है मैं किस तरह से ये कर सकूँ। तो मैंने बहुत सारी सिखिज़म पर मैंने बहुत काम किया है, और मैं मूवी भी बनाना चाहता था, अभी भी चाहता हूँ, मैं उस पर वर्क कर ही रहा हूँ, लेकिन फाइनेंसर हम नॉर्मल लाइफ में हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन फाइनेंस जबकि बात आती है कि हम अपने इन फैक्ट्स के ऊपर कुछ पैसे दे दें, नो वन इज़ विलिंग टू डू दैट। और तभी अभी तक मुझे लगता है कि जैसे दिखाना चाहिए था वो जो वो लेवल है, कुछ ऐसा लेवल वो अभी तक हम दिखाने में समर्थ नहीं है। लेकिन एनी हाउ बैक टू दी टॉपिक, तो इसके लिए मैंने हज़ार के आसपास फोटोग्राफ्स खींची हैं, और अब मैं इसे जाके एग्जिबिट करूँगा ताकि सब लोग जाने कि ये किस तरह का है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाय अ प्रिंट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको दे दिया जाएगा, और आई होप यू विल लाइक। एंड जब ये हैंग करो, मैं सोचता था कि लोग क्यों इतने ज़्यादा इसे प्रिंट निकलवा रहे हैं एंड ऑल, ऐसा क्या मैंने बना दिया है, लेकिन जब मैंने खुद प्रिंट निकाल के देखा, सी सी 2013 से अभी तक मैंने प्रिंट ही नहीं निकाला था, अब ये एग्जीबिशन के लिए मैंने प्रिंट निकाला, तो मतलब इसकी फ्रेम की सिलेक्शन के लिए कितना वो रॉयल लगे, महाराज रणजीत सिंह इट्स फेमस फॉर हिज लाइक जेनरॉसिटी और रॉयल, है ना, वो उनका लाइफ स्टाइल ऐसा था, तो एक फ्रेम एक पेंटिंग के साथ अटैच करना, वो सही सही फ्रेम मिलना, वो भी एक अलग ही दुनिया है। मेरे फ्रेंड हैं गौरव, उनका कतुरिया फ्रेम है यहाँ पे मजीठा रोड पे, अगर आप नहीं जानते तो आप सर्च कर सकते हो। जब आप उस दुनिया में जाते हो, पेंटिंग बनाना ही ज़रूरी नहीं, आर्टिस्ट को आर्ट का मतलब ब्यूटी की हर एक बारीकी का पता होना चाहिए, तो एंड इज़ फ्रेमिंग, जब फ्रेमिंग आप करते हो आपको प्रिसाइज सिलेक्शन होना चाहिए एकदम, हाँ। और ये जब लगाया लगाते लगा बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हूँ मैं चीज़ों को लेके, जैसे ही आप इसका डिटेल देखेंगे तो मैं और ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूँ। यू विल बी हैप्पी टू नो, डेप्थ से याद आया कि अगर नाचीज़ ने बहुत सारे और भी आर्ट वर्क्स करे हैं जो कि फेमस हुए हैं, हरी सिंह नलुआ जी के ऊपर जो हमारे जर्नल थे इन्हीं महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम पे, उनकी जो कॉमिक है वो जीवित सिंह चतर सिंह जी के लिए वो मैंने ही बनाई थी, और वो अभी फेमस है, बहुत सारे लोग उसका भी आर्ट वर्क को यूज़ कर रहे हैं, मूसेवाला जी के सॉन्ग के ऊपर भी ये करा गया, किसी ने अपनी वो जो जिस जिन्होंने आवाज़ दी थी उन्होंने बताया कि मेरी आवाज़ है ना, तो उसमें वो आर्ट वर्क यूज़ किया गया है, वो कॉमिक सारा मैंने बनाया है। तो गुरु नानक देव जी के ऊपर 6 एडिशन्स थे वो मैंने बनाए, लेकिन वो बंद हो गई चीज़ें क्योंकि वो
हमेशा एक मीडियोकर पर्सन रहता था कि वो कनाडा से पैसा आ रहा है, तो वो जो डोनेशन थी वो किसी और बंदे के थ्रू मेरे पास तक पहुंचती थी। तो वो एक जो गैप है ना, वो पता नहीं क्या उनकी बात होती थी, पर वो काम करवाना ही उसको स्टॉप कर देते थे। तो सिखिज्म पे आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क, यू नो, और अभी तक मैं कर रहा हूँ। और यू विल बी हैप्पी टू नो कि मैंने दारा सिंह कॉमिक उन्हीं के घर पे बनी, मैं मुंबई में वर्क करता हूँ। और अभी जो इंडिया की जो बेस्ट सेलर बुक है, जो कि MS धोनी ने ख़रीदा है, द हिडन हिंदू, उसका जो पहला पेज था ब्लैक एंड वाइट, वो मैंने डिज़ाइन करा था, थैंक्स टू अक्षत सर, उन्होंने मुझे चांस दिया। तो फिर वो पहला पेज मेरे से कहीं और चला गया, दैट वॉज सम एक बद्दी थी उसकी, पॉलिटिक्स के कारण था वैसा, तो आर्ट में बहुत पॉलिटिक्स होता है। और उसका सेकंड कवर पेज फिर मेरे पास आया, सो इफ़ यू आर ट्रू यू विल गेट द थिंग। और उसका थर्ड कवर पेज भी अब आप देखेंगे। तो एक और है अभी तुलिका पब्लिकेशन का, लुक मार नो हैंड्स, वो भी मैंने ही करा है। एनी हाउ, कॉमिक के लिए और सिखिज्म एनिमेशन मूवी के लिए अगर आपने किसी को लगे कि आपको ये करवाना चाहिए, या ये वीडियो को आप शेयर कीजिए उस इंसान की तरफ जो ये करना चाहता है, मैं अपने वर्क शेयर कर रहा हूँ साथ में, तो प्लीज़ डू दैट। और गाइस, आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि इस नाचीज ने ये हो पाया मेरे से, और आई एम ब्लेस्ड यू कैन से, जबकि मतलब सिंस चाइल्डहुड आई हैव सीन डैम थिंग्स इन माय लाइफ, वाज वेरी मच स्ट्रगल, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। एनी हाउ, तो नाउ इतने सालों के बाद आपका अगर आर्ट वर्क फेमस होता है तो इट्स नाइस, मज़ा आता है, लोग इसे प्यार दे रहे हैं। अब इसे मैं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, अपग्रेड करूंगा, बट हाँ, प्रिंट के लिए अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, आपको फाइन प्रिंटिंग मिलेगा, फाइन प्रिंटिंग, नो डाउट अबाउट इट। जॉर्ज, मैं अपने नाम के साथ एक ही चीज़ जोड़ता हूँ कि जॉर्ज का मतलब है क्वालिटी, आपको अच्छा ही मिलेगा, एंड ऑफ द स्टोरी। सो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होता है काम करने, काम बनाने के लिए, बट यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू। अगर आपको और भी ऐसा आर्टवर्क्स देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें पता नहीं था कि ये कुछ ऐसे लड़के ने बनाया है जो कि काफ़ी स्ट्रगल से इस जगह पे पहुंचा है। बहुत ज़्यादा आपको जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता अगर आप कुछ तेज़ी से चलते हैं, तो मेरे साथ काफ़ी ऐसा हुआ है, बट एक ही चीज़ है कि हिम्मत ना हारो, क्योंकि जगह जगह पे आई वॉज अ किड, और फिर भी वो यू नो बुरा आपके लिए बोला जाता है, वॉज इन टू 10-12, तो है ना, जो भी आपको सीनियर टाइप कुछ आते हैं लोग ऐसे लाइफ में, तो चलो एनी हाउ, उनके कर्म उनके साथ है। लेकिन हाँ, जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारना, अगर मैं कर सकता हूँ, आई हैड नथिंग, ओके, तो आप भी कर सकते हो। अगर आप जानोगे, इस चैनल पे बने रहो, तो मैं आगे ज़रूर बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। एक विश्वास, एक अग्लीम, अ रे ऑफ होप, वो आपको, आपके अंदर की आवाज़ है, आपको बस लेके आती रहती है। एंड इफ़ यू डोंट बिलीव, इफ़ यू बिलीव इन साइंस, तो जब आप अकेले होते हो, ये चीज़ें, सब चीज़ें सच हैं, और ये हो जाता है। एनी हाउ, थैंक यू, शेयर कीजिए।